नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बायबैक पे, जो कंपनी आपको एक में आपको अनाउंस कर चुकी है और एक आने वाले दिन में आपको अनाउंस करने जा रही है। तो पहली कंपनी रहेगी आपको बजाज कंज्यूमर केयर और दूसरी हमारी पेटीएम। तो सबसे पहले बजाज कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, इनके तरफ से बायबैक का अमाउंट अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले बजाज कंज्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बजाज कंज्यूमर की तरफ से एक लेटर इशू किया गया है, जिसमें आपको एक बायबैक का अमाउंट आपको घोषित किया गया है। कंपनी आपको ओपन मार्केट रूट से ये बायबैक करने जा रही है। तो आपको 179 के आसपास आज कामकाज करते हुए दिखा है। ये अनाउंसमेंट के बाद कुछ ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है, थोड़ा एक साइड पे आपको 184 पे हाई लगाया है, उसके बाद से ये ज्यादा कोई इसमें मूव आते हुए दिखा नहीं है। लेकिन लेटर में देख लेते हैं क्या इनके तरफ से अनाउंस किया गया है। तो दिसंबर 9, 2022 का ये लेटर आपको जो एक्सचेंज को नोटिफाई किया गया है, इनके तरफ से बताया गया है कि 240 रुपए पर इक्विटी शेयर पे आपको बायबैक किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रूट होगा वो आपको ओपन मार्केट रूट के थ्रू ही इसमें आपको बायबैक करने जा रही है कंपनी। तो टेक्निकल चार्ट पे चल के देख लेते हैं कितना फायदेमंद है अभी भी, अगर बाय द वे अगर हम परचेस करते हैं और एक स्विंग के लिए भी बैठना चाहें कि अगर बायबैक में हम इनिशिएट ना करें, आप कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए लेके अगर ऊपर की तरफ आप 10-20% का मूव कैच कर सकते हैं या नहीं, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आज जो कैंडल बनाया है इसने, इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस इसमें नहीं है, आपको बता दी ये इनडिसिसिव कैंडल है। इसमें आपको बियरनेस ही ज्यादा है क्योंकि ये आपको रेड में भी क्लोज होते हुए दिखा है। तो आने वाले दिनों में इसको सपोर्ट कहाँ पे मिलने वाला है, 170 के आसपास इसको सपोर्ट है। आपको नीचे की तरफ एक जो सपोर्ट है 170, क्योंकि ये देखिए बाई बैक है, कहीं ना कहीं प्रमोटर्स इसमें बाई करने के लिए, अदर्स आपको इंस्टीट्यूशन बाई जरूर करेगी क्योंकि ओपन मार्केट में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का ही ज्यादातर आपको अप्रोच नहीं रहता, लेकिन अदर इंस्टीट्यूशन आपको इसमें बाई बैक में इनिशिएट जरूर करती है। तो लेकिन ये 170 का एक रेंज है जहाँ पे आपको बाई बैक के लिए सपोर्ट लेने आएगा इस न्यूज पे भी, क्योंकि इस न्यूज पे अगर इसको बढ़ना होता तो आज ही है आपको ऊपर की तरफ ये कामकाज करते हुए दिखता, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो 170 का एक मेजर सपोर्ट है, यहां से अगर पुल बैक लेता है तो आपको एक बार आपको ध्यान रखना है कि 170 पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो 195 और 190 के बीच में एक टारगेट के लिए आप एक स्विंग के लिए बैठ सकते हैं। अगर आप इस रिस्क के लिए बैठ सकते हैं तो बैठ, अदरवाइज आप इस स्टॉक को आप छोड़ के चलें, इसको आप अगर बाईबैक में नहीं देना चाहते हैं तो आप स्विंग के लिए भी इसको नहीं लें। दूसरा हमारा स्टॉक है पेटीएम, 544 पे आसपास कामकाज किया है, आज ऊपर ऑलमोस्ट ये 8% आपको है ना ऊपर चढ़ के ये बंद होते हुए दिखाया है आपको, अभी 7% ऊपर कामकाज कर रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज आई है पेटीएम की तरफ से और इसमें आपको यहाँ पर रिवर्सल आते हुए भी दिख रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं लेटर की। तो 8 दिसंबर 2022 का ही लेटर है, इसमें बोर्ड मीट किया जाएगा, आपको जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है 13 दिसंबर 2022 को किया जाएगा, इसी में आपको निर्णय लिया जाएगा कि बायबैक अगर किया जाता है तो कितने अमाउंट का रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो वो हम 13 तारीख को पूरी जानकारी अपने चैनल पर डालेंगे, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे अभी बाई करके चलना चाहिए या नहीं, एक स्विंग के लिए बैठ सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाया है, एक पॉजिटिव साइन से एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ये 13 तक आते आते तक ये थोड़ा अगर ये एक अच्छी खबर आती है तो ये सीधे आपको 650 के आसपास कामकाज करते हुए दिखेगा, लेकिन इसमें जो आपको बाईबैक का प्राइस रहेगा वो मैक्सिमम आपको 800 तक ही रहने का संभवता है। तो आप 800 के प्राइस के लिए बाईबैक के लिए ही इसमें इंतजार करें, मुझे नहीं लगता है कोई सरप्राइजेस इसमें ऊपर के साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां से आपको 800 के मैक्सिमम प्राइस के लिए बाईबैक के लिए कर सकते हैं, जो लोग स्विंग के लिए बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं क्योंकि कैंडल अच्छा क्लोज होते हुए दिखा है आज। तो मैक्सिमम अगर स्विंग के लिए बैठना है तो आपको 650 के लिए ही बैठना है, उसी के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर बाईबैक में आप इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। जो लोग आपको पुराने इन्वेस्टर हैं और एटलीस्ट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर वो टेंडर रूट, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो टेंडर रूट के थ्रू आता है और आपको 800-850 का ही भाव मिलता है, तो जो लोग बेच के निकलना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ पे उन माध्यम के द्वारा आप अपना फायदा जो भी आप लॉसेस कम कर सकें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।